अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट के बारे में कुछ वीडियोस बना रहे हैं, तो उसके सीरीज़ में हमने एक अगला वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स, वो है विडाल टेस्ट के ऊपर फ्रेंड्स। तो ये विडाल टेस्ट जो है, हम टाइफाइड अथवा टाइफाइड फीवर और एंट्रिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए हम ये टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो टेस्ट है, ये ऑफ कोर्स सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें हम ब्लड का वापर करते हैं और इस टेस्ट का रिज़ल्ट इमीडिएट होता है फ्रेंड्स। बट ये टेस्ट जो है, विडाल टेस्ट जो है, ये कन्फर्म टेस्ट नहीं है फ्रेंड्स। थोड़ा सा ध्यान दें फ्रेंड्स, विडाल टेस्ट ये कन्फर्म टेस्ट नहीं है। आपको बताता चलूँ कि मैं US जैसा देश है, यूनाइटेड स्टेट, वहाँ पे जो है फ्रेंड्स, विडाल टेस्ट जो है अभी बंद हो गया है फ्रेंड्स। वहाँ पे विडाल टेस्ट अभी नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे टाइफाइड का या एंट्रिक फीवर का जो बैक्टीरिया है, जिसको कहते हैं सलमोनेला टाइफा बैक्टीरिया, तो उसको डायग्नोसिस के लिए वहाँ पे ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर और फीकल कल्चर और बोन मैरो टेस्ट, ये चार प्रकार के टेस्ट वहाँ पे किए जाते हैं। बट यहाँ पे हमारे इंडिया में जो है, विडाल टेस्ट ये एक टेस्ट बहुत ही वाइडली यूज़ की जाती है फ्रेंड्स। अब विडाल टेस्ट में मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स, इसमें जो टाइटर हैं, कुछ टाइटर हैं, एक तीन चार टाइटर हैं इसमें, वो टाइटर की हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें सलमोनेला टाइफा ओ टाइटर, सलमोनेला टाइफा एच टाइटर, सलमोनेला टाइफा AH, सलमोनेला पैरा टाइफा AH, सलमोनेला पैरा टाइफा BH, ऐसे इसके चार टाइटर हैं फ्रेंड्स। तो इसमें विडाल जो है, कोई भी विडाल हो, वो 180 के अबो जो है पॉजिटिव है। सलमोनेला टाइफा ओ 180, सलमोनेला टाइफा एच 1:160 और 1:160 के बाद 1:320 ऐसे इसके रेंजेस हैं फ्रेंड्स। सलमोनेला टाइफा AH और BH जो है, ये 1:180 के ऊपर जो है ये पॉजिटिव होते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो टेस्ट है, विडाल टेस्ट या एंट्रिक फीवर की, जो विडाल एंट्रिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट है ये फ्रेंड्स, इसमें सीरोलॉजिकल फ्लूड वापरा जाता है, सीरोलॉजी ब्लड वापरा जाता है और इसका टेस्ट रिजल्ट इमीडिएट है। तो दोस्तों, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये भी जाननी चाहिए कि कभी कभी ये जो है, इसको विडाल पॉजिटिव और विडाल नेगेटिव है, सब ठीक है, इसके दो रिज़ल्ट हैं, बट इसमें फाल्स पॉजिटिव और फाल्स नेगेटिव ऐसे दो प्रकार के रिज़ल्ट भी आते हैं। कभी कभी दोस्तों, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करने के बाद और बाद में ब्लड टेस्ट करने के बाद जो है, ये जो टेस्ट है कभी कभी फाल्स नेगेटिव आती है, बट वहाँ पे विडाल पॉजिटिव हो सकता है। और कभी कभी दोस्तों, ऐसा भी होता है कि वहाँ पे फीवर बिल्कुल नहीं होता, बट ये टेस्ट पॉजिटिव आती है, तो इसको हम कहते हैं विडाल पॉजिटिव या फाल्स पॉजिटिव टेस्ट। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट है, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी हम इंडिया में इसे वाइडली यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब में तो इस टेस्ट का जो है, हमें इसके अलावा भी और कुछ प्रकार के टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड कल्चर है, यूरिन कल्चर है, फीकल कल्चर है और बोन मैरो टेस्ट है, बट बाकी के तीनों जो हैं वो कहीं पे भी पॉसिबल हैं, बट ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर या फीकल कल्चर पे थोड़ा टाइम लगता है। तो इमीडिएट रिज़ल्ट जो है, ये विडाल टेस्ट में ही आता है फ्रेंड्स। तो ये कॉमनली यूज़ होने वाला टेस्ट है, बट इसको आप केयरफुली, आप इसका जांच करें, अगर फीवर हो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, प्लेटलेट कम हो, तभी ये टेस्ट को आप एडवाइस करें, वरना ये टेस्ट को एडवाइस ना करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।